ठीक है जो खरीदना चाहते हैं वो मतलब वो खरीद लेते हैं और जो बेचना चाहते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने गुड को वहां पे भेज देते तो एक, कह सकते हैं कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म है ठीक है इसको अपन ने किसी भी फिजिकल बाउंड्री के अंदर अपन ने इसको सीमित नहीं किया है ठीक है अब मार्केट के टाइप्स की अगर अपन बात करें तो बच्चों यहाँ पे ना एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट ठीक है अब इसमें जो नॉन परफेक्ट होता है उसके अंदर क्या कौन कौन से मार्केट्स आ जाते हैं उसमें मोनोपोली मार्केट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जिसे अपन कहते हैं और ऑलिगोपॉली मार्केट भी इसके अंदर आ जाता है ठीक है और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ऐसा है जिसके जो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके तो मतलब फीचर्स की अगर अपन बात करें तो सभी मार्केट से तो वैसे वैसे तो बहुत सारे फीचर्स है लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के फीचर्स जो है वही उसकी डेफिनेशन है ये सब आपको क्वेश्चन में इजीलिय समझने में आ जाएगा ठीक है तो देखो इस चैप्टर में से सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग मुझे पूछा जा सकता है बच्चों को ये है कि डिफाइन मार्केट फॉर अ गुड ठीक है गुड्स का जो मार्केट होता है वो क्या कौन सा मार्केट होता है मतलब उसे अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे तो so, देखो अभी अपन ने ये बोला कि ये किसी भी तरीके की ना फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है कि चलो ठीक है ये एक एरिया है बस इसी को ही अपन मार्केट कंसिडर करेंगे नहीं अगर ऐसा होता है तो फिर जो ऑनलाइन हम परचेजिंग करते हैं तो क्या वो मार्केट नहीं है अफकोर्स वो भी मार्केट है लेकिन क्या वहां पे कोई फिजिकल बाउंड्री है नहीं है तो मार्केट ऐसी चीज है जिसकी कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं है मतलब अगर, अगर अपन आज की आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है हाँ एक टाइम ऐसा था जहाँ पे जब नेटवर्क की इतनी सुविधा नहीं थी और लोग इतना ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव नहीं करते थे समझते नहीं थे तब तो हम ये चीज कह सकते थे कि यहाँ भाई एक फिजिकल बाउंड्री है जहाँ पे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं ठीक है देखो बच्चों अब पे अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप किस तरीके से लिखोगे इट इज अकेट सेल एंडेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज को बेचने और खरीदने का जो ये चलन है इसी को अपन मार्केट कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं

फिर सेम इसी तरीके का एक और मार्कर है तो वो भी काम तो दोनों का एक ही है ठीक है अब जैसे आ, आप ये रिज्यूम कर लो कि जैसे जो चिप्स का पैकेट होता है ठीक है जो लेज होती है तो लेज जो मेरे घर के पास में जो लेज सेल आउट होती है वही आपके घर के पास में भी वही लेज बिकती होगी ठीक है तो टेस्ट दोनों का सेम है सब चीज़ सेम है तो यहाँ पे क्या है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट इस मार्केट में सेल आउट किया जाता है एट अ यूनिफॉर्म प्राइस और राइट सो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट आप लोगों को पता चल गया कि क्या कैसा होता है मेरे घर के पास में अगर कोई सब्जी मंडी है तो वहां पे आलू जिस तरीके का बिकता होगा आपके घर के पास में भी जो आ, सब्जी मंडी आलू तो वैसा ही बिकता होगा ठीक है तो ये जो आलू का मार्केट है यहाँ पे और आपके घर के पास में ये कैसा मार्केट है परफेक्ट कॉम्पिटेटिव वाला मार्केट है ठीक है जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे एज अ बायर होते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे एज अ सेलर्स होते हैं ठीक है अब मोनोपोली से आप क्या समझते हो देखो मोनोपोली मोनो Mono मतलब होता है बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा मोनो मतलब होता है सिंगल एंड पॉली मीन्स मार्केट मार्केट कह लो या फिर सेलर ठीक है पॉली मीन्स सेलर तो यानी कि जहां पे ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर होता है सो मोनोपोली इज अ मार्केट फॉर्म इन विच देर इज अगल सेलर एंड मेनी बायर्स ऑफ अ कम्यूडिटी ठीक है मतलब एक बेचने वाला होता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट अब यहाँ पे इस मार्केट के अंदर जो भी जिस भी गुड की या की अपन बात करते हैं उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है है ना? और इसको अपन कैसे समझा था इसको अपन ने समझा था इस एग्जाम्पल के थ्रू है ना इंडियन रेलवे अब अगर आपको ऐसा पता है कि हाँ भाई इंडियन रेलवे का ये सब्सटीट्यूट है अगर आपको लगता है ऐसा कोई है तो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में बाकी अपने को तो ऐसा कुछ नहीं पता है कि भैया इंडियन रेलवे का भी कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है या नहीं है है ना तो इंडियन रेलवे का को कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है इससे अपन ये कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मोनोपोली के अंदर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है और बहुत से बायर्स हैं ओके डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देखो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेशन को आप किस तरीके से समझोगे तो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ उसके बाद में डेफिनेशन पे आएंगे ठीक so, है सो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों सोप का ठीक है तो दो तरीके के अपन ने सोप ले लिए हैं एक अपन ने ले लिया है लक्स और एक अपन ने ले लिया ले लिया है यहाँ पे डेटोल ठीक है सो जो लक्स होता है वो किस कलर का होता है बच्चों लक्स को अपन पिंक बना देते हैं ठीक है सो so, आपका जो लक्स होता है वो होता है पिंक कलर का कुछ ऐसा ही ऐसा ही होता है ना ठीक है लक्स आपका पिंक कलर का होता है और डेटॉल आपके कैसे कलर का होता है ऑरेंज कलर का होता है तो इसको अपन थोड़ा सा ऑरेंज में बना देते हैं इस तरीके का बना देते हैं अच्छा डिटोल ग्रीन भी आता है क्या आता है क्या नहीं आता कोई बात नहीं अपन बना लेते हैं डेटोल को अपन ऐसे ग्रीन बना लेते हैं ठीक है इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं डेटोल ओके अब देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे जिस भी जिसमें की अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सी क्या है फर्म्स हैं ठीक है अब ये भी एक साबुन है ये भी एक साबुन है लेकिन दोनों ही साबुन अपने अपने क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंट है ठीक है कैसे डिफरेंट है इसका शेप डिफरेंट होगा इसका शेप डिफरेंट होगा इसकी जो स्मेल है वो डिफरेंट होगी इसकी प्राइस डिफरेंट होगी लेकिन काम दोनों का एक ही है है ना वैसे ही जब अपन बात करते हैं बच्चों पेस्ट टूथपेस्ट के, के केस में सो पेस्ट के केस में जब अपन बात करते हैं तो इसमें भी जैसे अपन दो एग्जाम्पल ले ले एक ले लें अपन कोलगेट और एक ले अपन क्लोजअप ठीक है तो इसमें डिफरेंस क्या है कि कोलगेट और क्लोजअप के टेस्ट में डिफरेंस है फिर सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है इन इस इस मार्केट के अंदर तो इस मार्केट में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है बच्चों एडवर्टाइजमेंट पे ठीक है लक्स के एड में अगर दीपिका पदुकोन को लिया है तो डिटोल के एड में किसी बड़े एक्टर को शाहरुख खान को ले लिया क्लोजअप के एड में अगर सोनाक्षी सिन्हा है तो इसमें कोलगेट में आप कोई माधुरी दीक्षित को ले लिया ठीक है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने एडवर्टाइजमेंट पे ये लोग फोकस करते हैं और उस तरीके से इनकी सेलिंग क्या होती है बढ़ती है ओके सो आई होप मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन किस तरीके का मार्केट होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है so सो इसकी डेफिनेशन क्या है सो इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट विद मेनी बायर्स एंड सेलर्स अब देखो अगर अपन सोप की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो तरीके के बायर्स मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं तो सोप तो न जाने कितने तरीके के हैं यहाँ पे अपन लक्स और डेटॉल की बात करें लाइव बॉय हो जाता है हो जाता है ठीक है मतलब जितने जितने यहाँ पे लोग हैं उससे तो 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 मतलब ज्यादा ही ब्रांड्स होंगे आई गेस सोप्स वगैरह के केस में ठीक तो, है तो यहाँ पे सोप्स वगैरह के केस में बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अपना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं थोड़े तो टाइम में फिर पेस्ट में ले लो बिस्किट्स में ले लो मतलब हर चीज में तो यहाँ पे बेचने वाले भी बहुत ज्यादा और खरीदने वाले भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है ओके फॉर्म ऑफ मेनी बायर्स एंड सेलर्स विद डिटेड प्रोडक्ट्स अब इनके प्रोडक्ट्स कैसे अलग अलग हैं है वो पार्शियल होता है ठीक है फुल कंट्रोल नहीं होता है इनका प्राइस पे जो भी इनका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस पे फुल कंट्रोल नहीं होता है इनका पार्शियल कंट्रोल होता है ठीक है और थोड़ा बहुत जो कंट्रोल होता है वो मार्केट फोर्सेज यहाँ पे तय करता है चलो ऑलिगो कैसा मार्केट है इसको भी समझते हैं तो so, देखो यहाँ पे क्या होता है ओलिगोपॉली के अंदर देर आर फ्यू बिग फर्म्स ठीक है ओलिगोपॉली के अंदर कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं जैसे अगर अपन बात करें जो अपने मोबाइल नेटवर्क हैं उनकी तो उसके अंदर अपन को पता है कि भाई मोबाइल नेटवर्क में एक अपने पास में है एयरटेल ठीक है एक अपने पास में अभी चल रहा है वी आए. है ना फिर उसके बाद में एक है अपने पास में जियो तो ये तीन ऐसे मेजर नेटवर्क हैं जो कि मोस्टली हमारी पॉपुलेशन इन्हीं तीनों नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है तो यहां पे आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि ओलिगोपोलिक ऐसा मार्केट है जहां पे कुछ फर्म्स होती हैं लेकिन वो फर्म्स बहुत बड़ी होती हैं सो फ्यू बिग फर्म्स है ना और यहाँ पे जो अपने बायर्स होते हैं वो लार्ज नंबर के होते हैं और राइट सो अ फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट ओनली अ फ्यू बिग सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी क्लियर चलो व्हाट इज़ फॉर्म प्राइस टेकर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है ठीक so, है जो, है. जो भी प्राइस तय हुई है उसको एक्सेप्ट करने वाली फॉर्म यह की यहाँ पे प्राइस टेकर कहलाती है ठीक है अब ये प्राइस तय करता कौन है मार्केट फोर्सेज यानी कि यहाँ पे जो अपन मार्केट फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो अपना मतलब किससे है अपना मतलब है डिमांड और

मेकर यानी कि खुद बनाई है तो ऐसी कौन सी फर्म्स हैं जो कि खुद अपनी प्राइस तय करती हैं सो प्राइस मेकर फर्म रेफर्स टू दैट फर्म विच हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दी इन मार्केट सो ये ऐसी फर्म्स uh, होती हैं जिनका पूरा पूरा क्या रहता है कंट्रोल रहता है अपने प्रोडक्ट पे ठीक है अपने प्रोडक्ट की प्राइस पे पूरा पूरा कंट्रोल रहता है और मोस्टली ये कौन से मार्केट में देखा जाता है बच्चों ये मोस्टली मोनोपोली मार्केट के अंदर देखा जाता है

कांस्टेंट रहती है ऐसा नहीं है कि भाई आ, जैसे टेन ग्राम्स का कोई चिप्स का पैकेट है तो मेरे घर के इधर बिक रहा है ट्वेंटी रुपीज में ठीक है और आपके घर पे यही टेन ग्राम्स का पैकेट आपके घर के उधर कोई बेच रहा है फोर्टी रुपीज में क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक है सो यहाँ पे इसी वजह से जो प्राइस होती है तो उसको अपन इस तरीके से मानते हैं ठीक है इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन से अपन डिनोट करते हैं Why are AR and MR अब अब यहाँ पे प्राइस ए आर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों इस पॉइंट पे बराबर क्यों होते हैं इस तरीके का डायग्राम अपन ने पढ़ा है है ना अब ऐसा क्यों होता है इसके पीछे का कारण क्या है सो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए आर इज कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्म एवरेज रेवेन्यू कॉन्स्टेंट होता है फॉर्म के लिए ठीक है

ियस यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं सेम होते हैं तो ये अपन को पता है ये कौन से मार्केट के अंदर होते हैं बच्चों परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर होते हैं right? चलो विल यू कॉल दैट मार्केट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मोनोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन अब आप ऐसे मतलब ऐसा कौन सा मार्केट है जिसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोनोपली के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो उस मार्केट का नाम क्या है बच्चों उस मार्केट का नाम है मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओके देखते हैं इसका आंसर सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कंपटीशन इन विच मार्केट फॉर्म आर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन्यूर्म इज इक्वल ए आर और एम आर दोनों बराबर कौन से मार्केट में होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में होते हैं ठीक है ठीके? तो वही आपका आंसर है कौन से मार्केट के अंदर होते हैं तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर होते हैं ठीक है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं लक्स इन डिटोल ठीक है कोलगेट इन क्लोजअप देन वी कैन से मोनाको एंड ओके? Okay? चलो, क्या होते हैं? या फिर न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे क्या होता है जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना कोई नया इनोवेशन करता है ठीक है कोई नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करता है अपनी नई कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च करता है तो वो उस पर क्या करता है वो उस पर अपना छाप लगा देता है एंड दैट इज पेटेंट राइट नो वन एल्स कैन यूज द प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी फिर उस प्रोडक्ट को या फिर उस टेक्नोलॉजी को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता ठीक है बना तो सकता है कोई दूसरा भी लेकिन सेम एज इट इज नहीं बना सकता उसके अंदर वेरिएशन करना जरूरी हो जाएगा वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाया उस पर पेटेंट वो करवा चुका है ओके विदाउट ऑप्टेनिंग अ लाइसेंस तो कोई भी एज इट इज नहीं बना सकता है ओके okay? ज मोटिवेशन बिहाइंड ग्रांटिंग पेटेंट राइट पेटेंट राइट ग्रांट करने के पीछे का मोटिवेशन क्या है सो पेटेंट राइट प्रोहिबिट दूस ऑफ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बाई अदर्स अब देखो पेटेंट राइट से क्या होता है कि अगर मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनाई है तो उसे कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकते उसे कोई दूसरा चोरी नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि उस पर पे मेरा पेटेंट है तो इस तरीके से सभी लोग क्या करेंगे अपनी नई टेक्नोलॉजी खोजेंगे तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव साइड है 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 ना और ये ये क्या करता प्रमोट कर रहा है किसको रिसर्च को और इनोवेशन को ओके चलो वॉट इज कार्टिल कार्टिल क्या होता है काटिल होता है ग्रुप ऑफ पीपल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊंगा आपको तो सो कार्टल रेफर्स टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई अ ग्रुप ऑफ फर्म्स ठीक है मतलब कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि ग्रुप बना लेती हैं और फिर वो क्या करती हैं वो कलेक्टिव डिसीजनस लेती है कि हम ये वाली प्राइस रख लेंगे हम इस प्राइस पे ये अमाउंट बेचेंगे हम यहाँ पे इतना बेचेंगे यानी कि वो कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं ठीक है विद अ व्यू टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड सिक्योरिंग मोनोपोली कंट्रोल ऑफ दी मार्केट ठीक है और यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन की भावना है उसको पूरी तरीके से ये लोग खत्म करते हैं और सो दिस इज नोन एज कार्टिल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नेवर चेंजेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस होती है वो कभी भी नहीं बदलती हैं तो ये बिल्कुल गलत है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अंडर परफेक्ट कंपटीशन एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट चेंज द प्राइस एक इंडिविजुअल फर्म अपनी प्राइस को नहीं चेंज कर सकती है अगर लेज का आ, कोई आउटलेट अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं यहाँ पे स्टेट में अपनी कोई ज़्यादा प्राइस लगा दूंगा नहीं जो प्राइस तय हुई है सभी स्टेट्स में वही प्राइस पे बिकेगा बट मार्केट प्राइस कैन चेंज ओइंग टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो कब चेंज होती है वो चेंज होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ठीक है तो मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि सभी जगह उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज होगी लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे वो प्राइस चेंज नहीं होगी यानी कि एक फर्म अपनी प्राइस को नहीं बदल सकता अगर एक फर्म बदल देगा तो लोग क्या करेंगे उसके पास जाना छोड़ देंगे फिर वो सब्सटीट्यूट उसका ढूंढेंगे ठीक है तो इसके लिए ये, क्या ये सिचुएशन का हो जाएगी लॉस की सिचुएशन हो जाएगी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट ठीक है यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं उनका प्राइस पे किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं रहता है तो ये बिल्कुल आ, सत्य है ये चीज बिल्कुल ट्रू है अंडर परफेक्ट कंपटीशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बहुत से बायर्स होते हैं यहाँ पे बहुत से सेलर्स होते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट यहाँ पे ये लोग सेल आउट करते हैं यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पे बेचते हैं नो सिंगल सेलर बाई चेंजिंग सप्लाई कैन इन्फ्लुएंस दी प्राइस ठीक है यहाँ पे कोई भी सिंगल सेलर अपने प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है अगर वो करता भी है ऐसा तो जो खरीद खरीदार है वो क्या करेंगे वो इसके पास ना जाकर के किसी दूसरे के पास चले जाएंगे तो ये इसको लॉस होगा ओके सो नेक्स्ट इज देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अंडर मोनोपली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देखो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और मोनोपली में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं तो ये भी बिल्कुल uh, सही है आपका स्टेटमेंट ट्रू इन केस ऑफ मोनोपली देर इज सिंगल सेलर यहाँ पे मोनोपली केस में सिंगल सेलर होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स वही मोनोपोलिस्टिक में देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स ठीक है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन केस में दोनों ही लार्ज नंबर में होते हैं बायर्स एज वेल एज सेलर्स अभी तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि इसमें कुछ तो फीचर्स मोनोपोली के और कुछ फीचर्स इसके अंदर किसके हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के हैं मोनोपोलिस्ट प्राइस ऑफ हिस्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट देखो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किस तरीके से फिक्स करता है वो फिक्स करता है इलास्टिसिटी के बेसिस पे कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी प्राइस में चेंज करूंगा तो इसके डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके डिमांड में कितना किस रेट से चेंज होगा तो वो इसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस तय करता है तो ये बिल्कुल सही है ऑफ विन हायर प्राइसिसिक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो देखो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होती है तो उस पॉइंट पे प्राइस को

कैन डिसाइड इट्स प्राइस पॉलिसी इंडिपेंडेंटली देखो अब यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की वजह से हर फर्म क्या यहाँ पे डिसाइड कर सकती है प्राइस पॉलिसी अपनी खुद की यहाँ पे वो तय कर सकती है लक्स अपनी प्राइस पॉलिसी खुद तय करता है डिटॉल अपनी प्राइस पॉलिसी खुद तय करता है सो दैट इच फर्म हैज अ पार्शल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट ठीक है तो सभी फर्म्स का क्या कैसा कंट्रोल रहता है पार्शल कंट्रोल रहता है हाफली कंट्रोल रहता है अपने प्रोडक्ट पे बाकी मार्केट फोर्सेस के थ्रू तय होता है A monopoly प्रोड्यूसर cannot कंट्रोल बोथ prices as वेल well as quantity ऑफ his प्रोडक्ट सही बात है देखो जो मोनोपली प्रोड्यूसर होता है वो दोनों चीजों को कंट्रोल नहीं रख करके रख सकता है प्राइस को भी और क्वांटिटी को भी ये तो ये बिल्कुल ट्रू है एज अ सिंगल सेलर ही कैन फिक्स वाइस ही विशेष टू फिक्स फॉर हिस प्रोडक्ट दिस इज नॉट फॉक्स दिस इज फिक्स ओके तो जिसने बनाया है वो भी इंसान है और गलतियां इंसानों से होती है ओके okay. फैक्ट ऑफ दलो तो देखो यहाँ पे क्या होता है uh, क्योंकि मोनोपोली मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है तो वो या तो वो प्राइस पे फोकस कर सकता है या फिर अपने प्रोडक्ट को वो फिक्स करके रख सकता है बट ही कैन सेल मोर ओनली बाई लोअरिंग दी प्राइस लेकिन उसको चीज भी बताएगी जैसे ही वो प्राइस को कम करेगा तभी वो अपने ज्यादा से ज्यादा गुड्स को सेल आउट कर पाएगा ओके अब मोनोपोलिस्ट कैन एक्सरसाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस जो होता है वो प्राइस के अंदर भेदभाव कर सकता है तो बिल्कुल कर सकता है दिस इज ट्रू मोनोपलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर दी सेम कमिटी सेम तरीके की कम्युनिटी के लिए वो अलग अलग प्राइसेस अलग अलग बायर्स से ले सकता है ओके फ्रॉम डिफरेंट बायर्स बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ दिस प्रोडक्ट क्योंकि उसे पता है कि भैया इस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो इनको झक मार के भी मुझसे ही खरीदना

कंट्रोल रहता है ओइंग टू दी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्योंकि उन्हें पता है कि उनका उनका और उनके जैसे प्रोडक्ट के बीच में क्या है मतलब डिफरेंट है वो दोनों प्रोडक्ट्स। फॉर्म्स डिमांड कर वन परफेक्ट कंपटीशन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है क्या तो ये बिल्कुल ट्रू है बिकॉज एट अ गिवन प्राइस फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर प्राइस है कि भैया दस रुपए का चिप्स का पैकेट है इस पे इस पर्टिकुलर दस रुपए पे आप जितनी चाहो उतनी क्वांटिटी आप सेल आउट कर सकते हो टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू इन्फेनाइट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पे जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का है ना वो किसके बराबर है इन्फेनाइट के बराबर है अंडर टल स्ट्रेट लाइन है और हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होता है फॉर्म्स डिमांड कर्व शोज हाइएस्ट इलास्टिसिटी इन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक फर्म का जो डिमांड कर्व है वो हाइएस्ट इलास्टिसिटी का

सो फॉर्म्स डिमांड कर्व इज इनडिटमिनेट अंडर ओलिगोपोली देखो के केस में जो फॉर्म का डिमांड कर्व होता है उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट है ओलिगोपोली uh, में कोई भी डिमांड कर्व नहीं होता है सो फॉर्म डिमांड कर्व इज इनडिटमिनेट और केन नॉट बी ड्रॉन अंडर ओलिगोपोली बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ इंटर डिपेंडेंस अमंग दी फर्म्स क्योंकि uh, ये जो फर्म्स है उनका एक दूसरे पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है इंटर डिपेंडेंस है फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म देर आर ओनली नॉर्मल इन दी लॉन्ग रनफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म जो होती है उसमें लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अचीव होते हैं so, ये बिल्कुल सही है वैसा इसलिए है of of इसके पीछे का फीचर क्या है बच्चों बिकॉज देर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दर्म इन दी मार्केट अ फर्म एंडिक कॉम्पिटिशन मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन देखो मोनोपलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो क्या अचीव करती हैं लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स अचीव करती हैं सो यस इट इज ट्रू अ फर्म मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट तो सेम वही फीचर है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर भी ये फ्रीडम है कि आप एंट्री एंटर कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो वेन वॉन्ट There is a high degree of of interdependence among firms in oligopoly form of the market. जो ऑलिकोपोली के अंदर जो फॉर्म्स होती है उनका बहुत ही हाई डिग्री में इंटर होता है एक दूसरे पे So this is true because there is only a small number of big firms. क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स होती हैं, उनके बहुत ही कम नंबर है अभी यहाँ पे अगर अपने जब नेटवर्क्स की बात करते हो तो सिर्फ तीन नेटवर्क अपन यहाँ पे लिख पाए ओके परफेक्ट कॉम्पिटिशन गेट्स ओनली ब्रेक इवन प्राइस इन अग रन देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ब्रेक इवन प्राइस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में देखने को मिलती है सो so, ये बिल्कुल ट्रू है अफर्म एंडेक्ट कॉम्पिटिशन गेट ओनली ब्रेक इवन प्राइज इन अ लॉन्ग रन इट इज अ प्राइस विच कॉरपॉन्ड टू नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन अब ये वो प्राइस होती है जो की लॉन्ग रन में आपको क्या अचीव करवाती है वो जो नॉर्मल प्रॉफिट आपको देती है ओके okay? तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग रन के अंदर सोच सकते हो शॉर्ट रन में आप इस चीज के बारे में नहीं सोच सकते हो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट देर आर नो सेलिंगफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी भी तरीके की सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है अब बताओ आपको सेलिंग कॉस्ट क्या होती है तो so, देखो सेलिंग कॉस्ट ये वो खर्चा होता है जो कि प्रोड्यूसर करता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे तो so, सही बात है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है ओके एंड मोनोपोली फॉर्म्स ऑफ दी मार्केट मोनोपोली में होती है क्या सो so, ये भी नहीं होती है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एन एन मोनोपली अब इसके पीछे का कारण क्या है मोनोपली प्रोडक्ट हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट इन दी मार्केट क्योंकि देखो अब यहाँ पे ना होमोजीनियस देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसके अंदर तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है एक जैसी प्रोडक्ट है तो उसके लिए एडवर्टाइज करने का तो कोई सेंस नहीं है ठीक है और अगर अपन बात करें अभी मोनोपली का तो इसके पीछे का कारण यह है कि, कि मोनोपली मार्केट के अंदर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने का कोई सेंस नहीं है आप ये बताओ कि हाँ इंडियन रेलवे के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो पर क्यों कर रहे हो लोगों के पास में सिंगल ऑप्शन है सिंगल ऑप्शन जब होता है तो लोग ना चाहते हुए भी उनके पास में यही है कि उनको यहीं आना है ठीक है तो उस पे ये एक्स्ट्रा खर्चा करने का कोई भी मतलब जस्टिफाई नहीं है ये ओके डिफाइन इक्लेबेरियम प्राइस इक्लेबेरियम प्राइस क्या होती है सो इट रेफर्स टू दैट प्राइस एट विच मार्केट डिमांड फॉर अ कॉम्यूडिटी इज इक्वल टू इट मार्केट सप्लाई तो देखो यहाँ पे क्या होता है इक्लिबीरियम प्राइस वो प्राइस होती है जहां पे डिमांड और सप्लाई मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई दोनों क्या रहती है इक्वल रहती है ओके okay? ये प्राइस हो गई ये क्वांटिटी हो गई क्लियर ओके सो व्हाट इज मेंट मैं क्वांटिटी अब इक्लिबीरियम क्वांटिटी आपको पता है जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करती है और उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी आपकी तय होती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू वही आपकी इक्लीबिरियम क्वांटिटी होती है

होता है देखो जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो सिर्फ एक्सेस डिमांड ही कहेंगे ठीक है ये आपकी डिमांड है ये आपकी सप्लाई यहाँ पे ये दोनों क्या है बराबर है ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों जब प्राइस कम होती है तो उस पॉइंट में क्या होता है

ठीक है लेकिन डिमांड यहाँ पे सिर्फ कितनी है इतनी है तो ये सिचुएशन जाती है बच्चों एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन सो इट इज अचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड एट ए गिवन प्राइस हाउ इज द प्राइस अफेक्टेड बाई इंक्रीज इन डिमांड जब डिमांड बढ़ती है तो उससे प्राइस किस तरीके से अफेक्ट होती है सो इन सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड अदर थिंग्स रिमेनिंग constant equilibrium प्राइस must rise ठीक है बाकी सभी चीजों को आप लोगों ने constant रखना है अगर यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई है तो आपको बस क्या करना है आपको बाकी सभी चीजों को constant रखना है और प्राइस को आपको बढ़ा देना है देखो किस तरीके से एक बार यहाँ पे देखिएगा ये आपका equilibrium वो मार्केट equilibrium में ये सप्लाई है अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेस इंक्रीज इन डिमांड है इंक्रीज एंड डिमांड का मतलब अपन कहीं ये कहीं अपन यहां है ठीक है इस और सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है ये अपनी इक्पेरियम प्राइस है ये अपनी इक्पेरियम क्वांटिटी तो अब इस केस में अपन को इक्पेरियम पे जाने के लिए क्या करना होगा अपन को प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा प्राइस इंक्रीज होगी वापस से ये जो एक्सेस डिमांड है वो कहां चली जाएगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी ओके okay, इस तरीके से और ये लोग वापस से यहाँ अफेक्टेड बाई डिक्रीज इन डिमांड अब जब डिमांड डिक्रीज है तो डिमांड डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि सप्लाई ज्यादा है करेक्ट दिस इज योर डिमांड दिस इज योर सप्लाई यहाँ पे जैसे सपोज इस पॉइंट पे डिमांड आपकी डिक्रीज है ठीक है डिमांड यहाँ पे आपकी कम है सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इसमें इसमें आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको प्राइस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा प्राइस कम होगी तो सप्लाई के बराबर आ जाएगी सो वेन डिमांड इक्ट प्राइस मस्ट डिक्रीज अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट बाकी जो चीजें उनको अपन कॉन्स्टेंट एक बार को रखेंगे हाउ इज प्राइस अफेक्टेड इन इंक्रीज इन सप्लाई जब सप्लाई बढ़ती है तो उस, उसके अंदर प्राइस किस तरीके से अफेक्ट होती है सो so,

गिर जाएगी ओके अदर थिंग्स रिमेनिंग बाकी सारी चीजें यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी What will be the विल बी इफेक्ट ऑन and प्राइस एंड an ऑफ एन इंक्रीज इन इक्वल demand ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कम्युनिटी जब आप किसी भी कम्युनिटी की डिमांड और सप्लाई दोनों को इक्वली आप इंक्रीज करते हो ठीक है तब उसके उस पॉइंट पे फिर आपका इक्लिबेरियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्लिबरियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अदर थिंग्स डिमांड एंड सप्लाई इनक्रीजेज इन एन इक्वल प्रोपोर्शन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में जब हम इंक्रीज करते हैं तो प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं रहेगा दिस इज डिमांड दिस इज सप्लाई ओके ये इसकी प्राइस है हमने क्या किया हमने डिमांड को बढ़ाया हमने इधर से डिमांड को बढ़ाया इधर से हमने सप्लाई को बढ़ाया तो यहां पर हमारी पहली प्राइस थी और यहाँ पे अब प्राइस पे क्या होगा प्राइस में अभी हमारा किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा प्राइस हमारी वही है ओके जब हमने इक्वल प्रोपोर्शन में क्या किया है दोनों को इंक्रीज किया है तो क्वांटिटी विल इंक्रीज लेकिन यहाँ पे इक्लिबिर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी पहले हमारी ये थी Q1 अब ये Q2 हो जाएगी ओके डिफाइन प्राइस सीलिंग प्राइस सीलिंग क्या होती है इसको जरा समझो आप जो की एक सेलर ले सकता है बायर से ओके okay? मतलब ये सीलिंग कौन लगा देता है ये हमारी गवर्नमेंट लगाती है कि भाई प्रोड्यूसर्स को फायदा होना चाहिए तो एक वो मैगजिमम प्राइस तय कर देती है कि भाई इतना तो आपको बायर से वसूलना ही है प्राइस फ्लोर क्या होता है प्राइस फ्लोर यानी कि ये भी गवर्नमेंट के थ्रू तेक, तेक, की गई हुई प्राइस होती है ठीक है और ये मिनिमम प्राइस होती है जो कि कंज्यूमर के फेवर में होती है प्राइस फ्लोर रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस दिनिड बाई कमोडिटी इन दी मार्केट इट इज डन विद्यू टू स्टेबिलाईजिंग इनकम ऑफ द फार्मर्स ठीक है फार्मर्स की इनकम को स्टेबल करने के लिए ये प्राइस फ्लोरिंग यहाँ पे की जाती है डिफाइन सपोर्ट प्राइस पॉलिसी सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या होती है सो इट इज दॉलिसी ऑफ ऑफरिंग मिनिमम प्राइस टू दी फार्मर्स फॉर दी परचेज ऑफ द आउटपुट बाय दी गवर्नमेंट सो क्या होता है की फार्मर्स का जो आउटपुट होता है वो गवर्नमेंट उनसे प्री प्रीअनाउंस प्राइस पे परचेज करती है ठीक है कि भाई इस साल आप लोग जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसको हम लोग यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आपसे खरीदेगी इस पर्टिकुलर रेट पे ठीक है और आप जब इस प्राइस पे हमें दोगे तो हम इसी अनाज को बहुत ही कम कीमतों में किसको दे देंगे गरीबों को दे देंगे तो जो प्री अनाउंस्ड प्राइस होती है यही आपकी क्या हो जाती है बच्चों इसी को अपन कहते हैं सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी भी इसको अपन कहते हैं ओके okay? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो प्राइस डिटमाइन की जाती है वो मार्केट फोर्सेज के थ्रू की जाती है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे जहां पे मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड दोनों इंटरसेक्ट कर जाती है बस वही प्राइस यहाँ पे हम रख लेते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर चेंज नहीं कर सकती है इनकेस ऑफ एक्सेस डिमांड इक्विबिरियम प्राइस मस्ट राइज देखो एक्सेस डिमांड के केस में यानी कि देखो ये डिमांड हो गया आपका ये सप्लाई हो गया ये आपका इक्विबेरियम हो गया ठीक है इक्लेबेरियम प्राइस हो गई और ये हो गई इक्लेबेरियम क्वांटिटी अभी ये बोल रहा है कि यानि कि तो ये हो जाती है तो ये वाली प्राइस यहाँ पे राइज होनी चाहिए ये प्राइस यहाँ पे बढ़नी चाहिए इक्लिबेरियम तक आने के लिए तो ये बिल्कुल करेक्ट है सो एक्सेस डिमांड जनरेट प्रेशर ऑन डिमांड फॉर दी एग्जिस्टिंग सप्लाई देखो एक्सेस डिमांड क्या जनरेट करता है प्रेशर जनरेट करता है एग्जिस्टिंग सप्लाई पे ठीक है जो भी सप्लाई uh, है उस पर प्रेशर जनरेट होता है कि भाई अभी अपन को क्या करना पड़ेगा सप्लाई तो ज्यादा कर नहीं सकते तो प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा एज एन इंट सो एज एन इमिडिएट इम्पैक्ट ऑफ मार्केट प्राइसेस राइजेस जिसकी वजह से मार्केट प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती है इट लेट्स टू एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड अब इससे होता क्या है कि डिमांड अब धीरे 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 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हो, है और जो सप्लाई है ठीक है जो सप्लाई है वो यहाँ पे बढ़ती है और फिर कुल मिलाकर के ये लोग वापस इस क्वांटिटी पे आ जाते हैं फाइनली इक्लिबेरियम रीच्ड इन द मार्केट वेयर डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ एक्स बट न्यू इक्लिबेरियम प्राइस हैपेंस टू बी हायर देन दी इनिशियल इक्लिबेरियम प्राइस लेकिन यहाँ पे जो नई इक्लिबेरियम प्राइस है वो पहले की इक्लिबेरियम प्राइस से हायर होती है ओके okay? चलो When there is is no excess excess demand or excess supply in the market, everybody is equally satisfied, for no, nobody suffer any shortage. जब market में ये वाली condition होती है तो क्या इस कंडीशन पे कोई भी सफर नहीं करता सभी सभी की जो डिमांड है वो फुलफिल होती है तो इस पॉइंट पे मार्केट कैसे रहता है क्लियर रहता है जब ना ही किसी तरीके की एक्सेस डिमांड है और ना ही एक्सेस सप्लाई है

परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस के अंदर जो यहाँ पे प्राइस होती है कमोडिटी की वो कॉन्स्टेंट रहती है नो मैटर डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है सो दिस इज ट्रू द प्राइस विल रिमेन अनचेंज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व ठीक है यहाँ पे जो प्राइस है वो बिल्कुल अनचेंज रहती है उसमें आप किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते हो नो मैटर डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस सप्लाई प्रोपोर्शनेटली टू दी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्योंकि यहाँ पे पे जो सप्लाई है है वो किस करती इंक्रीज और डिक्रीज पे रिस्पॉन्ड करती है, uh, है किसके डिमांड के ओके इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड नाउ इक्लेबेम प्राइस मे नॉट चेंज इवन वेन मार्केट डिमांड हैपन्स टू चेंज देखो जो इक्लिब प्राइस है वो चेंज नहीं होगी ठीक है इवन वेन मार्केट डिमांड है कि जो सप्लाई है वो किसके बेसिस पे चेंज हुई है डिमांड के बेसिस पे चेंज हुई है ओके okay? तो इस केस में हम ये चीज कह सकते हैं कि हाँ भाई प्राइस में भले आप चेंजेस मत करो लेकिन फिर भी यहाँ पे डिमांड में चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ सप्लाई ओके चलो रिमेनिमांड फॉर अम्युनिटी टेंस टू चेंज ठीक है दोनों ही सप्लाई और डिमांड किसी भी कम्युनिटी की चेंज हो तो उस पॉइंट पे प्राइस जो आपकी वो कॉन्स्टेंट रह सकते तो बिल्कुल अपन ने इसका डायग्राम भी देखा था वो इस तरीके का था ये आपका डिमांड है ये आपकी सप्लाई है ओके ये आपकी प्राइस अब जब इन दोनों में ही अपन चेंजेस कर रहे हैं तब यहाँ पे प्राइस क्या रहेगी अपनी कॉन्स्टेंट रहेगी ओके सो प्राइस में रिमेन कॉन्स्टेंट इवन वेन बोथ दी सप्लाई एंड डिमांड टेंड्स टू चेंज अपन ने यहाँ पे डिमांड में भी चेंज किया और सप्लाई में चेंज किया है लेकिन फिर भी अपनी जो प्राइस है वो क्या है वो बिल्कुल सेम है सो दिस इज ट्रू इफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ अम्योडिटी चेंज इक्वली अगर दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं एंड इन द सेम सेम डायरेक्शन डायरेक्शन और में चेंज होते हैं तो यहाँ पे प्राइस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा तो आप देखो यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में हमने चेंज किया है और दोनों को अपन ने इंक्रीज किया है ठीक है सो प्राइस यहाँ पे हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी इक्लेबेरियम प्राइस पे फॉल इवन मार्केट डिमांड टेंस टू राइज इक्लेबेरियम प्राइस जो है वो आपकी फॉल आउट हो जाती है

Price tends to fall. तो so, इस point पे equilibrium price आपकी गिरती है. So this is true. Owing to improvement in technology, supply of the good in the market will increase. ठीक है, technology की वजह से जो supply है market में वो increase हुई है. Causing a rightward shift of the supply curve. जिसकी वजह से जो supply curve वो rightward shift होगा. Accordingly, equilibrium price will decrease. और यहाँ पे जो equilibrium price है वो decrease होगी. ठीक है. So ये other determinant के बारे में हम बात करते हैं.

राइस हो जाएगी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी कॉजिंग राइज इन इक्लिबेरियम प्राइस जिससे कि इसकी जो इक्लीबेरियम प्राइस है वो भी यहाँ पे राइज हो जाएगी ठीक है चलिए इन अचुएशन बिकम एक्सपेंसिव यानी कि हम प्रोडक्शन के दौरान जिन इनपुट्स का यूज करते हैं उनको जब अपन दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट कर रहे हैं वो अब यहाँ पे महंगा हो गया है इक्लिबेरियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेंट टू राइस तो यहाँ पे जो जो जिस कमोडिटी के लिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ेगी तो ये बिल्कुल सही बात है

कि भाई ऐसी सिचुएशन हुई है यहाँ पे जो उसका प्रोडक्शन जो है राइस का वो बहुत कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई यहां पे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो प्राइस का क्या रिलेशन देखने को मिलेगा ये आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सो इन स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इट लेड्स टू सब्सटेंशियल कट इन प्रोडक्शन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन अब कम होगा ठीक है प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा प्राइस विल फॉल और यहाँ पे प्राइस जो है वो गिरेगी सो so, ये बिल्कुल फॉल्स है जब यहाँ पे प्रोडक्शन ही कम होगा तो प्राइस तो यहाँ पे विद इन प्रोडक्शन सप्लाई शिफ्ट होगा जिसकी वजह से आपकी जो प्राइस है है ना वो क्या होगी वो यहाँ पे बढ़ेगी ओके विल इंक्रीज इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है सप्लाई करव रिमेन्स अनचेंज तो और यहाँ पे सप्लाई करव जो है वो अनचेंजड है इन दी कॉन्टेक्सट ऑफ मार्केट इक्बेरियम जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व क्या अनचेंज रहेगी सोचिए इस चीज को सो so, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन चेंज अफेक्ट ओनली टू द मार्केट डिमांड पॉपुलेशन का जो अफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट डिमांड पे पड़ता है ठीक है नॉट ऑन दार्केट सप्लाई मार्केट सप्लाई पे नहीं पड़ता है

डिमांड कर्व शुड शिफ्ट टू दी है सो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो आपका किस तरफ शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे अब डिमांड क्या हो रही है डिमांड यहाँ पे अब थोड़ी सी कम हो रही है मार्केट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन सपोर्ट प्राइस ऑफ द कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी है उसकी सपोर्ट प्राइस जो उसकी मार्केट प्राइस होती है वो हमेशा कैसी होती है या तो उससे ग्रेटर होती है उसके बराबर होती है सो दिस इज ट्रू इन अ सिचुएशन ऑफ सपोर्ट प्राइस सपोर्ट प्राइस क्या है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ सपोर्ट प्राइस के सिचुएशन में जिसको अपन मिनिमम प्राइस भी बोलते हैं और जो प्रोड्यूसर्स को हमारी गवर्नमेंट अश्योर करती है कि भाई इतना अमाउंट हम आपको देंगे जब आप आपसे हम आप, आपकी फसलें खरीदेंगे सो मार्केट प्राइस ऑट टू बी इक्वल और ग्रेटर देन दी सपोर्ट प्राइस तो यहाँ पे मार्केट प्राइस सपोर्ट प्राइस के या तो इक्वल होगी या फिर किससे सपोर्ट प्राइस से, से यहाँ पे ये मार्केट प्राइस ग्रेटर होगी ओके सो so, यहाँ पे आपके इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो खत्म होते हैं आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे अगर कहीं पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो उसके लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं और फिर भी अगर आपको वो चीजें नहीं समझ में आई हैं तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है थैंक यू सो मच